हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। ये आप लोग के लिए आज का आज से और आज के दिन से ही अच्छे अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो, पढ़ाई में मन लगे, है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इस साल को, और अच्छे से इस साल का हर एक मोमेंट को यादगार बनाना है, जिससे क्या हो कि हम लोग हमेशा जब ये साल बीतने लग जाए तो इसे भी अच्छे से अलविदा करके और नए साल का दोबारा से स्वागत करें, और इस साल में कुछ ऐसा करें जो लगे कि जिस तरीके से साल बीत गया, इसी तरीके से हमारा कुछ, हमने एक नया चीज़ अचीव कर लिया है ना। कुछ मोमेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा कि मान लो इस साल में मैंने इस चीज़ को कब्जा कर लिया, इस चीज़ को मैंने पा लिया, कुछ इस तरीके का एक मन में थॉट लेकर के इस साल को चलाना है या अच्छे से बिताना है। तो ठीक है, इसी के साथ आइए, हम लोग इस साल में एक नया चीज़ सीखने चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होंगी, जिसका नाम है सिंथेटिक रबड़। ठीक है, तो आप सब रेडी हो सीखने के लिए? बिल्कुल रेडी हो गए, है ना। चलो आओ करते हैं। कह रहे हैं कि सिंथेटिक रबड़ क्या होता है। रबड़ इज वाइडली यूज्ड मटेरियल, बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन नेचुरली एज लेटेक्स फ्लूइड फ्रॉम द रबर ट्री। कह रहे हैं ये इसे कहाँ से बनाया लिया जाता है। कह रहे हैं ये नेचुरली जो सामान हमें मिलता है रबर ट्री से, है ना। हम सिंथेटिक रबड़ पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं इसका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और कह रहे हैं ये हमें मिलता कहाँ से। अगर कोई कहे तो भाई साहब ये आपको मिलता कहाँ से है, तो मिलता हमें नेचुरल एक रबड़ का पेड़ आता है ना, उसमें से फ्लूड निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, तो उस लेटेक्स से ये रबड़ को बनाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं वी कैन ऑल्सो मेक सिंथेटिक रबड़ फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। कह रहे हैं कि और तो और हम जो सिंथेटिक रबड़ है उसे किसके थ्रू बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के केमिकल मिला करके, अलग अलग टाइप्स का, जिस तरीके का हमें एप्लीकेशन चाहिए, जिस तरीके का हमें रबड़ का स्ट्रेंथ वगैरह चाहिए, उस तरीके से हम रबड़ को, जो कि हमें नेचुरल रबड़ लेटेक्स मिल रहा है, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं उस तरीके के, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर टर्म जुड़ा हुआ है सिंथेटिक। बाकी नेचुरल रबड़ तो रबड़ ट्री से जो मिल रहा है वो फ्लूड, उससे भी हम बना सकते हैं, बट उसमें हमारे अकॉर्डिंग वो सारे चीज़ें नहीं आ पाएंगी, इसलिए हमें क्या करना होता है, उसमें केमिकल मिक्स करके उसे जिस भी जहाँ पर उसका यूज करना है उस अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सिंथेटिक रबर इज चीपर देन नेचुरल रबर। कह रहे हैं सिंथेटिक रबर जो होता है वो नेचुरल रबर से क्या होता है, कम पैसे में मिलता है। ठीक है, बहुत ही लो कॉस्ट होता है इसका। फिर कह रहे हैं वी मेक शेविंग, है ना, जम्स, इरेजर, टायर्स, है ना, डोर मैट्स, रबड़ बैंड, सर्जिकल ग्लव्स फ्रॉम सिंथेटिक रबड़। बिल्कुल सही बात है, कह रहे हैं हम सिंथेटिक रबड़ से क्या क्या बनाते हैं, इरेजर, जम्स, टायर, डोर मैट, है ना, वो घर के बाहर रखने वाले पावदान जो होता है, रबड़ बैंड, है ना, ये सब कुछ किससे होता है, सब के सब। और तो और जो सर अस्पतालों में ऑपरेशन करने करते समय हाथ में पहनते हैं ना, है ना, वो वाइट वाइट सा, तो वो भी किससे बनता है, इसी से बनता है। ठीक है, रबड़ होता है वो। चलो ठीक है, आगे कह रहे हैं सिंथेटिक एडेसिव्स। बहुत सारी चीज़ ऐसे होती हैं जिसे, एडेसिव का मतलब होता है चिपकाना, है ना। तो कह रहे हैं मटेरियल सच एज ग्लू एंड जम दैट आर यूज टू स्टिक थिंग्स टूगेदर आर कॉल्ड एडेसिव्स। कह रहे हैं ऐसे मटेरियल सच एज ग्लू, मतलब ग्लू होता है जानते हो आप लोग, एंड गम दैट आर यूज टू स्टिक थिंग्स, जिसका यूज किया जाता है चीज़ों को चिपकाने के लिए। फिर कह रहे हैं कि टुगेदर आर कार्ड एडेसिव्स, जो भी चीज़ें किसी दो चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज किया जाता है उसे हम एडेसिव बोलते हैं। ठीक है, वी गेट नेचुरल रबर, नेचुरल ग्लू एंड गम फ्रॉम ट्री। हमें भी ये ग्लू एंड गम जो है नेचुरल तरीके से ट्री से मिलता है, सच एज पाइन एंड कीकर। ये दो ट्री का नाम है, पाइन एंड कीकर, इनसे हमें मिलता है। फिर कह रहे हैं टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड। कह रहे हैं टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड वी नाउ मेक सिंथेटिक एडेसिव फ्रॉम केमिकल्स। कह रहे हैं कि नेचुरल तरीके से तो हमें ये चिपकाने वाला सब्सटेंस मिल रहा था, बट हमें क्या चाहिए था, और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को चिपकाना था, है ना। उतना अच्छे से नेचुरली जो हो गया हमारा सब्सटेंस जो हमें नेचुरल तरीके से मिल रहा था, उतनी अच्छी से हमें वो चिपका करके प्रोडक्ट को नहीं देता था, है ना। मतलब बहुत अच्छे से वो चिपका नहीं पाता था दो अलग अलग सामानों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें सिंथेटिक में आना पड़ा। सो सिंथेटिक एडेसिव बनाना पड़ा, मतलब उस पर कुछ केमिकल वगैरह मिला करके उसके एडेसिवपन को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, जिससे क्या हो वो चीज़ों को अच्छे से चिपका दे। और क्या हुआ, इनकी डिमांड भी बहुत होने लग गई ना, इसलिए हमें उस सिंथेटिक नेचुरल रबर से मिलने वाले जो भी चीज़ें थी, नेचुरल एडेसिव जो भी थे, उन्हें हमें सिंथेटिक एडेसिव बनाना पड़ा ताकि हम लोगों की डिमांड को भी पूरी कर सके कि जल्दी जल्दी लाओ भैया हमारा ख़त्म हो गया है ना, इस तरीके से। फिर कह रहे हैं कि सिंथेटिक एडेसिव्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एडेसिव्स। कह रहे हैं सिंथेटिक एडेसिव्स क्या होते हैं, नेचुरल एडेसिव से स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो एडेसिव स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये चिपकाता है, जो इसका चिपकाने की क्वालिटी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चिपकाता है ना, सिंथेटिक उतना अच्छा से नहीं कर पाता है काम को। देखो होता क्या था, बहुत पहले हम लोग भी यूज किया करते थे वो चावल, है ना, जानते होगे आप लोग घर में खाते हो, तो वो चावल से भी हम लोग क्या करते थे, कई बार पेपर वगैरह को चिपकाना होता था तो चावल को भी हम लोग ऐसे मतलब बना हुआ चावल जो होता था उसको ऐसे लगा करके पेपर को चिपका देते थे, वो भी चिपकता था। लेकिन क्या है, वो कुछ समय बाद जो है वो छोड़ देता था, बहुत अच्छे से नहीं चिपक पाता था ना, ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो हमें क्या करना पड़ा, उसको केमिकल उसमें मिक्स करना पड़ा। केमिकल मिक्स करने के बाद वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई और वो दो अलग अलग चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चिपका देता है। दे आर यूज टू स्टिक पेपर प्लास्टिक वुड एंड इवेंट टू स्टॉप लीकेज फ्रॉम वाटर पाइप। कह रहे हैं देखिए भाई साहब, सिंथेटिक एडेसिव्स का कहाँ कहाँ यूज है, इसका यूज पेपर को चिपकाने में, प्लास्टिक्स को चिपकाने में, है ना, वुड लकड़ी का सामान चिपकाने में, और तो और पानी जहाँ से लीक होता है उस लीकेज को भी बंद करने के लिए, अगर पाइप वगैरह में पानी कहीं से लीक हो रहा है तो उस लीकेज को भी बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, सिंथेटिक एडेसिव्स का, ठीक है। चलिए नीचे कुछ ये मटेरियल्स आपको लिख रहे हैं कीवर्ड्स, आइए देखते हैं क्या है। आई होप चैप्टर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, आई होप क्या आया ही आया है, मैं पढ़ाऊँगा समझ में ना आए हो ही नहीं सकता, है ना, तारीफ नहीं कर रहा हूँ बस बता रहा हूँ, कोशिश करो आ जाएगा। सिंथेटिक मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स मेड बाई कम्बाइनिंग डिफरेंट केमिकल्स। कह रहे हैं कि सिंथेटिक मटेरियल्स क्या है, मेड बाई कम्बाइनिंग डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स को कम्बाइन करके बनाया जाने वाला सब्सटेंस को हम सिंथेटिक मटेरियल कहते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक क्या है, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से हमें सिंथेटिक फैब्रिक का मिलता है, ठीक है, मतलब सिंथेटिक फैब्रिक मतलब मैन आदमियों के द्वारा बनाया गया कपड़ा जो है वो किससे मिलता है, सिंथेटिक फाइबर से मिलता है। एडेसिव्स क्या है, मटेरियल यूज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर, अलग अलग चीज़ों को एक साथ चिपकाने का जो सामान होता है उसे हम एडेसिव कहते हैं। फिर कह रहे हैं इन अ नटशेल, मटेरियल्स मेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल। देखिए वही चीज़ है, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिए रिकॉल कराने के लिए। मटेरियल जिनका यूज चीज़ों को चिपकाने के चीज़ों को मतलब कह रहे हैं मटेरियल्स मेड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स को मिला करके बनाया गया मटेरियल कहलाता है सिंथेटिक मटेरियल कहलाता है। प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक मटेरियल दैट कैन बी रिसीव्ड बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। कह रहे हैं प्लास्टिक्स क्या है, वो सिंथेटिक मटेरियल है जिसे हम एक बार दोबारा से मतलब रिसेव भी कर सकते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट हो जाए उसका हम रिसेव भी कर सकते हैं, कैसे, हीट और प्रेशर दे करके। हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, प्रेशर देंगे तो वो दूसरे शेप में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। प्लास्टिक्स आर टफ, रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वेट, चीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है ना, और रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं प्रोवाइड करता है ना, और इसका यूज कहाँ है, अगर लाइट नहीं प्रोवाइड करता है तो कह रहे हैं इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज हम करते हैं वो घर के बाहर से जो, यहाँ नहीं शहरों में होता है ऐसे, घर के बाहर से जो लाइट वो वायर जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं। और अगर यहाँ पर देखो तो अपने घर के अंदर जितनी भी वायर होती है उस वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग इसीलिए होती है कि प्लास्टिक करंट को पास नहीं करता, अगर उसमें से करंट जा भी रहा है अंदर से तो भी आप उसको पकड़ोगे तार को, वो आपको करंट नहीं मारेगा, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। फिर कह रहे हैं लाइट वेट, चीप एंड लॉन्ग लास्टिंग, है ना, बहुत हल्का होता है और बहुत लंबे समय तक ये चलता है। नायलॉन और रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक आर सम कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नेम हैं जिनका हम लोग ज़्यादातर यूज किया ही करते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स आर व्रिंकल फ्री, है ना, इस पर क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर व्रिंकल फ्री, कहने का मतलब इस पर क्या होते हैं, जो इसके कपड़े होते हैं उस पर स्क्रैच जल्दी नहीं लगते हैं, चीप सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल लॉन्ग चलने वाले होते हैं, इजी टू वॉश, और धुलना भी इन्हें आसान होता है, आसानी से सिंथेटिक फाइबर से डस्ट जो है रिमूव हो जाता है। दे आर नॉट ईटन बाई इंसेक्ट एंड मोथ्स, हेंस दे हैव ए लॉन्ग लाइफ। कह रहे हैं कि दे आर नॉट ईटन बाई इंसेक्ट, इस पर जो है कीड़े मकोड़े नहीं बैठते हैं ना, या कीड़े मकोड़े के थ्रू इसे खाया भी नहीं जा सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो नेचुरल कपड़े होते हैं उस पर कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं बट सिंथेटिक पर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं हेंस दे हैव ए लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब
अगर इनके पास इतनी सारी क्वालिटी है तो इसका मतलब ये क्या है, इनकी लॉन्ग लाइफ है, लंबा चलने वाला कपड़ा, फटे छिटे नहीं तो वो लंबा चलता है। सिंथेटिक फैब्रिक्स बर्न एंड मेल्ट वेरी इजीली। सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होता है, ये इसके डिमेरिट में काउंट होगा कि बहुत ही जल्दी बर्न कर जाता है ना, और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसका इसे पहन करके हमें क्या है किचन वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पर मना करते हैं। द यूज ऑफ क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स शुड बी अवॉइडेड इन किचन एंड फैक्ट्री। देखिए वही चीज़ हो गया कि तुरंत ही इसका यूज जो है नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, चैप्टर मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।